तक आपने देखा गुजरात में चिमन भाई पटेल की सरकार में बढ़ती बेतहाशा महंगाई के खिलाफ सड़कों पर छात्र निकले तो जनता ने भी उनका साथ दिया और सर्वोदय आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का समर्थन किया। गुजरात सरकार ने लाठी और गोलियों के जरिए लोगों की आवाज कुचलने की कोशिश की लेकिन आवाजें और भी बुलंद होती चली गईं। नतीजा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मजबूर होकर गुजरात विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी पड़ी। गुजरात से निकली आंदोलन की लपटों की रोशनी ने बिहार के छात्र नेताओं को आंदोलन की नई दिशा दिखाई। यहां भी पुलिस ने लाठी और गोलियों से आवाज दबाने की कोशिश की। पटना की सड़कें खून से लाल हो गईं और ऐसे में एक बार फिर छात्र नेताओं ने जयप्रकाश नारायण को याद किया। आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण सामने आए तो इंदिरा गांधी बुरी तरह बौखला उठी। और अब आगे तो आंदोलन इस राह पर तो जरूर था कि तख्त गिर रहे थे, ताज उछल रहे थे और आंदोलन कभी सत्ता को नहीं देखती। और कहा यह भी जाता है कि इतिहास रचने वाला कभी यह सोच नहीं पाता कि जिस रास्ते वो चल निकला है वो इतिहास रच रहा है। दरअसल जेपी और इंदिरा गांधी का सीधा टकराव कुछ ऐसे ही इतिहास की तरफ बढ़ रहा था लेकिन उसकी आहट ना तो देश को उस वक्त थी और ना ही सत्ता की मद में चूर इंदिरा गांधी को। जेपी का हर कदम इंदिरा की सत्ता को चुनौती दे रहा था तो इंदिरा भी जेपी को सीधे निशाने पर लेने में कोई कसर छोड़ नहीं रही थी। सही मायने में कहें तो इंदिरा गांधी तानाशाही के रास्ते पर थी और जेपी लोकनायक बनने के रास्ते पर। अप्रैल 1974 गांधी मैदान पटना। लाखों सत्याग्रही जेपी के नेतृत्व में इकट्ठे हुए। सबसे पहले यहीं जेपी को लोकनायक की उपाधि से नवाजा गया। अपने भाषण में जेपी ने अपने संकल्प को नई दिशा दी। मैं स्वराज प्राप्ति के बाद 27 वर्षों से राजनीति से सर्वोदय तक के लंबे सफर में देश की इस कुस्थिति को चुपचाप देखता और सहता आ रहा हूं, मगर अब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो गई है। इस असह्य स्थिति को बदलने के लिए मैंने निश्चय और प्रण कर लिया है, जब तक मेरे शरीर में शक्ति है जब तक गिर नहीं जाऊंगा, सेवा करता रहूंगा। 9 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में हुई इस सभा की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई थी। बीबीसी लंदन ने इसे अभूतपूर्व कहा तो देश के दूसरे हिस्से भी सरकार के खिलाफ आक्रोश की आग में सुलगने लगे। लेकिन आंदोलन की ये जमीन अभी भी सत्ता को पलटने से आगे देख नहीं पा रही थी। बिहार के छात्र संघर्ष के रास्ते पर थे तो उनके जहन में सत्ता बदलने का सपना था। जेपी धीरे धीरे सत्ता को व्यवस्था से जोड़ रहे थे और देश भर में सिस्टम से नाराज लोगों को यह एहसास होने लगा था कि जेपी महज सत्ता परिवर्तन नहीं, कुछ और चाहते हैं। दरअसल जेपी इंदिरा के टकराव के उस दौर में पहली बार लोग ये महसूस करने लगे थे कि जेपी का संघर्ष जनता के मर्म को छू रहा है और इंदिरा की सत्ता जनता से लगातार दूर हो रही है। लेकिन इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता के हुकूक पर भरोसा था। इंदिरा ने चीमन भाई की तर्ज पर ही बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को हुक्म दिया कि बिहार का छात्र आंदोलन हर हाल में दबाया जाए। और इसी वक्त बंबई में ट्रेड यूनियन के आंदोलन भी तेज हो गए थे क्योंकि अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी। तकरीबन 4 करोड़ मजदूरों के पास कोई काम नहीं था, रोटी का ठिकाना नहीं, ऊपर से भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर। उद्योगपतियों के आपसी हितों के टकराव में मजदूर तबका वैसे ही पिस रहा था। और इसी वक्त जॉर्ज फर्नांडिस निकल कर आए और जॉर्ज फर्नांडिस ने ऐतिहासिक रेल हड़ताल का ऐलान कर दिया। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
नहीं साथियों, नहीं, हमें आवाज उठानी होगी कि सरकार तो हम मजदूरों के मुंह से निवाला छीनने पे आमादा है, और दिल्ली की सरकार वो तो जैसे चादर तान कर सो रही है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं जॉर्ज? अब हम जो करेंगे वो सारा हिंदुस्तान देखेगा। गुस्सा तो बहुत है जॉर्ज, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम गरीब मजदूर हैं। देखो देखो इनके चेहरों को, कल से हम बंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा देंगे। रोक दो ट्रेन के पहिए, रोक दो ट्रेन के पहिए, रोक दो, रोक दो, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। आठ मई 1974, लगभग 17 लाख रेल मजदूरों ने ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में रेल हड़ताल का ऐलान कर दिया। रेल के पहिए थम गए, पूरे देश में तहलका मच गया। महाराष्ट्र के सीएम बसंतराव नायक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंदिरा गांधी आंदोलन को कुचलने का मन बना चुकी थी। जॉर्ज के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही थी। संयोग से उस वक्त जॉर्ज गुजरात से बिहार तक आंदोलनकारियों के संपर्क में थे, और देश भर में रेल यूनियनें संघर्ष के लिए सक्रिय हो रही थी। लेकिन 20 दिन बीतते बीतते हड़ताल कमजोर होने लगी, क्योंकि कई यूनियनों का मानना था कि आम जनता के लिए कुछ रेलगाड़ियों को चलाना चाहिए। लेकिन सच यही था कि रेल हड़ताल ने इंदिरा की सत्ता को आईना दिखा दिया था, और संसद में पहली बार इंदिरा सीधी निशाने पर आ गई। जॉर्ज का एक ऐसा चरित्र रहा है, वो किसी भी ढंग के समझौता न करते हुए एक फायर ब्रांड लीडर की तौर पे उसकी पहचान थी, और वो लोगों में इस ढंग से फोर्सफुली जो अपनी बात रखता था, उससे लोगों में ये लगता था कि ये आदमी कुछ करेगा। हड़ताल तो 8 मई को शुरू हुई, लेकिन उससे ठीक पहले 2 मई को मधुलिमय को गिरफ्तार कर लिया गया। हड़ताल से ठीक पहले, और जॉर्ज हड़ताल के वक्त अकेले पड़ गए। जेल जाकर जॉर्ज ने मधुलिमय से मुलाकात की। मधुलिमय ने हड़ताल ना खत्म करने की हिदायत दी, लेकिन यूनियनें टूटने लगी, रेल हड़ताल कमजोर हुई, और उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस बड़ौदा डायनामाइट केस में भी फंसे। लेकिन जेपी की नज़र हर आंदोलन पर थी। संघर्ष धीरे धीरे भविष्य के नेताओं को तैयार कर रहा था। जुझारू छात्र लगातार जुड़ रहे थे, और संसद के गलियारे से लेकर हिंदी पट्टी के तकरीबन हर विधानसभा में जेपी के संघर्ष की गूंज थी। और आंदोलन के इसी मोड़ पर जेपी ने संपूर्ण क्रांति का ऐलान कर दिया। पांच जून 1974, पटना, गांधी मैदान। 29 जिलों से आए लाखों लोग जेपी का साथ देने के लिए पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हो चुके थे। संपूर्ण क्रांति अब नारा है। दोपहर के लगभग 2:45 बजे जेपी ने गांधी मैदान में प्रवेश किया, तो पूरी भीड़ एक साथ आंदोलित हो उठी। लोक नायक जिंदाबाद, जय प्रकाश, और लोक नायक जिंदाबाद, जय प्रकाश जिंदाबाद के नारे आसमान को छूने लगे। लोगों के हाथ में तरह तरह के बैनर थे जिन पर लिखा था, दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे, दे न सका जो सस्ता राशन, वो भी क्या जनता का शासन, 42 में भारत छोड़ो, 74 में गद्दी छोड़ो, छात्र उठे हैं अब ललकार, नहीं चलेगा भ्रष्टाचार, जय प्रकाश बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है। ये भी बोलते थे कि कहना, अगर जय प्रकाश का आदेश मानते हो तो जय प्रकाश का आदेश है, उस दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, दुकानें नहीं खुलेंगी, सब कुछ ठप रहेगा, बोलो मानते हो जय प्रकाश का आदेश, और लाखों हाथ एक साथ जो उठता था, मैंने आप उस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते। असल में जेपी ने समूचे बिहार में हस्ताक्षर अभियान छेड़ रखा था, विधानसभा भंग हो, दोबारा चुनाव हो,
और इसके लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर वाले दस्तावेजों को बकायदा ट्रक में लादा गया और राज्यपाल को सौंपने के लिए जेपी राजभवन चल पड़े। शाम होते होते जेपी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल रामचंद्र ढोंडीबा भंडारे से मुलाकात की और सरकार के प्रति जनता के अविश्वास का मत रखा। इसके बाद जनसमूह के साथ जेपी गांधी मैदान में लौट आए और अपने भाषण में उन्होंने क्रांति को संपूर्ण क्रांति में बदलने का आह्वान किया। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, वो तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। समाज से अन्याय शोषण आदि का अंत करना, एक नैतिक सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक क्रांति करना, नया बिहार बनाना और अंततोगत्वा नया भारत बनाना है। पहली बार आंदोलन को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ले जाने के लिए जेपी ने बीएसएफ और बिहार मिलिट्री पुलिस के जवानों से सरकार के अन्यायपूर्ण रवैये में भागीदार न होने की अपील की। मतदाताओं से कांग्रेस के खिलाफ वोटें देने और तमाम कॉलेजों को 1 साल तक बंद रखने का आह्वान किया और आवाज लगाई, संपूर्ण क्रांति हमारा है, भावी इतिहास हमारा है। गांधी मैदान में जब उन्होंने भाषण देते हुए और एक तरह से भावुक भी हो गए थे तो उन्होंने कहा कि मित्रों यह संपूर्ण क्रांति। दरअसल जेपी व्यवस्था से इस कदर नाराज थे कि उस दौरान दिल्ली में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ जिसमें जेपी ने गांधीवादी लकीर लगभग मिटा दी, या कहें मिटाकर एक नया सवाल उछाला। अगर कानून लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं दिला सकता, जो बातें कागज पर आ चुकी हैं उन्हें भी लागू नहीं कराया जा सकता, तो हर जगह हिंसा होगी और इसे कोई रोक नहीं सकता। शांति शांति का मंत्र सिर्फ राजनीतिक दल पढ़ेंगे जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। सवाल उठा कि क्या बेबसी जेपी को बेचैन किए हुए है या फिर जेपी हिंसक आंदोलन की राह पर है। उधर इंदिरा गांधी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। मेरा मानना है कि कुछ उद्योगपति ही बिहार के तथाकथित आंदोलन को चला रहे हैं। उद्योगपति? हाँ, हो सकता है। मेरे पास भी ऐसे ही किसी उद्योगपति ने संदेशा भेजा था कि अगर उनके खिलाफ जांच रोक दी जाए तो वो बिहार के आंदोलन को मदद करना बंद कर देंगे। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। श्री नारायण को लगता है कि वो इंदिरा गांधी की तरह जेपी के नाम की आंधी ला पाएंगे, लेकिन उनके हाथ मायूसी ही मिलेगी। मुझे लगता है कुछ अखबार भी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इंदिरा जी और जयप्रकाश जी में जो मतभेद हुए तो उसका कारण है कि इंदिरा जी ने ये कहा कि मतलब जो लोग बड़े लोगों के पैसे पर पलते हैं उनको इस आंदोलन में बोलने का क्या हक है। इंदिरा को लग रहा था कि आंदोलन जेपी का आंदोलन पैसों से चल रहा है, इसीलिए सेठों से पैसे लेने का आरोप इंदिरा गांधी ने जेपी पर मढ़ा था। तो जेपी ने भी दिल्ली में गोयनका के गेस्ट हाउस को छोड़कर गांधी पीस फाउंडेशन में पना ली। अपने नैतिक बल को जेपी ने टूटने नहीं दिया और जेपी महसूस करने लगे थे कि जनता के भीतर जो आक्रोश है उसे सिर्फ एक रास्ता दिखाने की जरूरत है, अंजाम खुद ब खुद सामने आएगा। और देखिए हुआ भी यही, देखते देखते बिहार में जनता का आक्रोश परवान चढ़ने लगा। July 18, 1974 रांची, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मिथिला और जमशेदपुर समेत कई जगहों पर जबरदस्ती छात्रों को परीक्षा देने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने लाठी डंडों से लेकर गोलीबारी तक का सहारा लिया, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी।
लेकिन पुलिस गोलीबारी में कुछ कम उम्र के छात्र मारे गए। जयप्रकाश ने शासन की इस जाति के खिलाफ समाज के हर तबके से ये अपील की कि वो इस आंदोलन से जुड़ जाए और पुलिस से उस आदेश को न मानने के लिए अपील की जिसको मानने के लिए उनकी अंतरात्मा गवाही न थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो उस आज़ादी की लड़ाई का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करना नहीं था, उसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक आज़ादी को भी प्राप्त करना था। और उस आंदोलन में सामाजिक और आर्थिक आंदोलन जो गांधी आंदोलन में जो कमी रह गई, छूट गई थी जो बातें सामाजिक और आर्थिक राजनीति का, उसको पूरा करने का एक माहौल पूरे देश में बना था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। दादाजी, सुना है कि मुख्यमंत्री गफूर ने कहीं कहा है कि अगर विधायकों के साथ धक्का मुक्की की गई तो वो आपको आपके मुकाम पर पहुंचा देंगे। मैं तो हमेशा ही अपने असली मुकाम पर जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद बिहार में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी भी उनकी होगी। दादाजी पानी, दादाजी सुना है कि मुख्यमंत्री गफूर कहीं कह रहे थे कि अगर आप अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं तो वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। श्री गफूर को इस्तीफा उनकी भलाई के लिए देना है, मेरी भलाई के लिए नहीं। मैं तो अपनी आखिरी सांस तक तानाशाही के खिलाफ लड़ता रहूंगा। अगस्त 1974 को संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाया गया और 15 अगस्त 1974 को लोक स्वराज्य दिवस कहा गया। इस दौरान नारे दिए गए, भ्रष्टाचार छोड़ो, गद्दी छोड़ो, हिंसा छोड़ो। जेपी आंदोलन की आग पूरे देश में धधकने लगी थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जेपी की मुलाकात भारतीय क्रांति दल के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह से हुई। जेपी ने उनसे भी आंदोलन से जुड़ने की अपील की। लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में सभा करके जेपी ने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन में साथ देने के लिए लोगों का आह्वान किया, लेकिन हिंसा होने पर आंदोलन खत्म करने की चेतावनी भी दी। शांति बनाए रखना पड़ेगा, हमला हम पर जो भी होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। अहिंसा मुंह पर पट्टी बांधना, और चूंकि सच्चे गांधीवादी नेता थे जयप्रकाश जी। जेपी और चौधरी चरण सिंह की मुलाकात के बाद जो पहला सवाल उठा वह राजनीतिक विकल्प का था। जेपी ने पहली बार माना कि आंदोलन के समानांतर राजनीतिक विकल्प जरूरी है, और विकल्प का ढांचा भी देखिए धीरे धीरे खड़ा होने लगा। छोटे छोटे कई दल एकजुट होने लगे, चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल से लेकर उत्कल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, खेतीहर मजदूर पार्टी और पंजाब की किसान मजदूर पार्टी शामिल हुई, और इस नए दल का नाम पड़ा भारतीय लोकदल। और इस दल के अध्यक्ष बने चौधरी चरण सिंह। पार्टी बनी तो नेता भी पनपने लगे, लेकिन नेता पारंपरिक नहीं थे, ये कॉलेजों से निकल रहे थे, छात्र संघर्ष से निकल रहे थे, और जो कतार आज की राजनीति में मौजूद है दरअसल इसी लोकदल के जरिए उसने राजनीतिक का घरा पढ़ना शुरू किया था। तीन और चार अक्टूबर को बिहार बंद शांतिपूर्ण रहा, लेकिन 5 अक्टूबर 1974 काला दिन बनकर सामने आया। शाम होते होते कई जगहों से ये खबर मिलने लगी कि कई जगहों पर पुलिस ने गोली चलाकर आंदोलन कुचलने की कोशिश की। करीब 75 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। जेपी इस गोली कांड से बुरी तरह आहत हुए। जेपी ने मुख्यमंत्री गफूर को सीधे सीधे निशाने पर लेते हुए हुंकार भरी। बिहार के अफसरों,
इस बात का फैसला करो कि तुम जिसका नमक खाते हो उस जनता के साथ हो या जो जनता का नमक खाकर नमक हरामी कर रहे हैं उनके साथ हो। अगर तुम जनता के साथ रहना चाहते हो तो एकजुट होकर इस्तीफा देकर निकल आओ, क्योंकि जिसके आदेश से जनता को कुचलने के लिए तुम तत्पर हो कुर्सी पर बैठा वह व्यक्ति गद्दार है, जनता का प्रतिनिधि नहीं। जेपीआर पार्क की लड़ाई पर उतर आए और बेचैन परेशान इंदिरा गांधी ने अक्टूबर में अब्दुल गफूर को दिल्ली बुलाया। उमाशंकर दीक्षित इंदिरा का संदेश लेकर गफूर से मिले। उन्होंने कहा कि जेपी को हर हाल में 4 नवंबर से पहले गिरफ्तार कर लो। अब्दुल गफूर ने हाथ खड़े कर दिए थे। दरअसल इंदिरा इस सच को समझ चुकी थी कि जेपी को रोकना मुश्किल है, तो इंदिरा ने एक दूसरा दांव चला। उन्होंने राजा दिनेश सिंह और श्याम नंदन मिश्र को बातचीत का निमंत्रण देकर जेपी के पास भेजा। आंदोलन शुरू होने के बाद 1 नवंबर 1974 जेपी पहली बार इंदिरा से दिल्ली में मिले। बैठक आमने सामने होनी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने झटके में जगजीवन राम को बीच में ही बुला लिया और यह बैठक कितनी कड़वाहट के साथ खत्म हुई इसका एहसास इसी से हो सकता है कि बैठक के बाद जेपी ने इंदिरा गांधी को किनारे बुलाया और उन्हें पीली पड़ी चिट्ठियों का एक पुलिंदा थमा दिया। ये चिट्ठियां कमला नेहरू और प्रभावती के बीच की चिट्ठियां थी जो 1920 और 30 के दशक में लिखी गई थी। ये कुछ चिट्ठियां हैं, इन्हें तुम अब अपने पास ही रखो। ये क्या है? इनमें तुम्हारी मां और मेरी पत्नी का दर्द है जो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त बांटा था। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये तो रिश्तों की धरोहर है, आप मेरे चाचा समान हैं। नेहरू को हमेशा मैंने बड़ा भाई माना, लेकिन सच तो ये भी है कि आज एक बार फिर हमें आजादी का ही संग्राम लड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप बड़े हैं, जैसा ठीक समझो। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस विरोधी नहीं थे, नंबर एक। वह इंदिरा गांधी के भी विरोधी नहीं थी, वह तात्कालीन व्यवस्था के विरोधी थी और तात्कालीन व्यवस्था लगातार जुर्म कर रही थी। इंदिरा ने सोचा नहीं था कि जेपी को आमंत्रित करने के बाद हालात यहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जेपी के साथ बैठक के लिए इंदिरा ने बाकायदा योजना बनाई थी जिससे बिहार आंदोलन रुक जाए। इसके लिए भ्रष्टाचार उन्मूलन, शैक्षणिक सुधार, राजनीतिक बंदियों को रिहा करने से लेकर सीएम अब्दुल गफूर को बर्खास्त कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना तक था। लेकिन जेपी तो बिहार विधानसभा भंग करने पर अड़े रहे, यानी तुरंत चुनाव। इंदिरा यहीं अड़ गई और बातचीत टूट गई।